फुल लोडेड चिकन समोसा जिसको भी खाना है दोस्तों, जल्दी जल्दी आ जाओ और मेरे साथ खा जाइए। आपका इंतजार में मैं हूँ। देखिए दोस्तों, वॉशिंग मशीन का जो ये बॉडी में होल हो गया है, इसके वजह से ये वॉशिंग मशीन का यहाँ से पानी घुस के मटर जल गया है। हे गाइस, मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। दोस्तों आज का ब्लॉग क्या बोलूँ, कल जितना भी काम पेंडिंग था आज जाके वो काम सॉल्व करना पड़ेगा। और आज जो है मैं जल्दी निकल आया हूँ घर से, अभी टाइम बज रहा है 8:15 और मैं रेडी होके रास्ते के ऊपर आ चुका हूँ। ये हमारा गांव का रास्ता है मिट्टी का। सो दोस्तों आज स्वेटर पहन लिया हूँ क्योंकि बाकी दिनों से आज थोड़ा ज़्यादा ठंडी लग रही है और मेरे को जाना है भी बहुत दूर ढमरा पोर्ट के पास। सो ढमरा पोर्ट के पास एक जे रिसोर्ट बोल के बड़ा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जाना है। एक वॉशिंग मशीन का प्रॉब्लम है वहाँ पे, मतलब बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन। सो पहले हमको कल जो रात में काम पेंडिंग रह गया था वो काम करना है, उसके बाद एक मेडिकल में काम है वासुदेवपुर मेडिकल में, वो काम को करना है। और वासुदेवपुर पहुँचने के बाद पता चलेगा कल जो रह गया है वो काम पहले करें या फिर वासुदेवपुर मेडिकल में जो काम है वो करें। तो फटाफट अभी चलते हैं वासुदेवपुर। और मेरा जो बैग है गाड़ी के ऊपर नहीं है क्योंकि मैं जो कल वॉशिंग मशीन लाया था बाइक में बांध के ले आया था, मतलब टैंकी के ऊपर बैठ के भाई, मतलब क्या ही बोलूं, इतना आ गया था वॉशिंग मशीन। तो मैं यहाँ पे बैठ के वॉशिंग मशीन को बहुत ट्रिक से लेके आया हूँ, लेके चला तो आया पर वो जो क्या बोलते हैं उसका मतलब जो ढक्कन है वो ढक्कन जो है टूट गया। मतलब रास्ते में मतलब काम चल रहा था रास्ता का तो बाइक में ले आना मुश्किल था, फिर भी ले आया, वो मतलब हलचल होके वो टूट गया। तो कोई बात नहीं, हम खुद मिस्त्री है बना देंगे उसको। तो दोस्तों अभी क्या करते हैं, फटाफट चलते हैं वासुदेवपुर। उससे पहले दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अभी सीधा चलते हैं वासुदेवपुर। तो अभी हम वासुदेवपुर मार्केट पहुंच गए और हमको जाना है अभी पहले शोरूम, रॉन्ग रोड से जाएंगे क्योंकि उस तरफ बहुत धूल है और बड़ा गाड़ी जा रही है। तो इधर से हम चलते हैं फटाफट, उसके बाद दोस्तों बाद शोरूम जाएंगे, जाके बैग चेहरे ले लेते हैं। उसके बाद शायद मेरे को लग रहा है पहला मेडिकल में जो काम है उसको निपटाना पड़ेगा, उसके बाद का काम करेंगे। तो अभी हम शोरूम से आ गए हैं और वो जो मेडिकल का काम था वो मेडिकल का काम पहले नहीं जाएंगे क्योंकि वो जो डीलर के पास उनका नंबर है, वो डीलर हमको नंबर प्रोवाइड नहीं किए हैं। मैं कॉल किया था, बोले आधा घंटा वेट कर, मैं बोला ठीक है आप अभी मत दीजिए, मैं जा रहा हूँ धामरा और धामरा का काम खत्म करके आते वक्त आपका देख के चले जाऊंगा। उन्होंने बोले ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं धामरा और धामरा जाने के रास्ता में जो कल का काम मैंने छोड़ के गया था वो काम करना है पहले मेरे को, वो काम जो है यहाँ से 8-10 किलोमीटर दूरी पे है वो काम पहले कर लेते हैं, करने के बाद चलेंगे धामरा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे काम करने के लिए आया था पर ये जो है रिमोट एलईडी के साथ नहीं काम कर रहा है, मतलब रिमोट सही है, देखिए रिमोट यहाँ पे ब्लू मोबाइल में शो करेगा। रिमोट हम पेयरिंग अभी कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए रिमोट जो है वो काम देगा, यहाँ पे शो करेगा रिमोट। दोस्तों पहला तो काम जो था एलईडी के साथ जो है वो कनेक्टेड नहीं हो रही है, जो था वो थोड़ा मतलब एलईडी में प्रॉब्लम था इसलिए उसको नहीं कर पाए हम लोग, मतलब टेक सपोर्ट से बात करना पड़ा। टेक सपोर्ट वाले बोले कि ब्रांच से बात करो, ब्रांच से बात करके एक कीबोर्ड अरेंज करके एलईडी के पास लेके आओ, उसके बाद हम एक सल्यूशन देंगे। तो करने में थोड़ा लेट होगी पर ऑफिस ने बोला कि ऐसा वो करने से नहीं होगा, हमको भी लगता है वैसा करने से नहीं होगा पर कंपनी वाले नहीं समझेंगे बिना प्रूफ के। तो दोस्तों अभी क्या हुआ कि अभी जो है दोस्तों मैं ऑफिस को सारे के सारे डिटेल्स दे दिया और ऑफिस अभी क्या करेगी, कंपनी को मेल करेगी। मेल करने के बाद ये एलईडी जो है रिटर्न हो जाएगी बिना कीबोर्ड के, रिटर्न होने के बाद और एक एलईडी आएगी तभी हम आएंगे लगाने के लिए। सो अभी क्या करेंगे दोस्तों, फटाफट चलते हैं धामरा।
दोस्तों हमारा गाड़ी का ऑयल ख़त्म होने वाला है, मतलब और एक लीटर के आसपास होगा, तो यहाँ पे ऑयल डलवा लेते हैं, उसके बाद सीधा चलेंगे ढामरा। दोस्तों अभी जो है हमने जे रिसर्ट आ गया हूँ मैं, ये है जे रिसर्ट, वहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे पहले काम ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद वहाँ पे जाके क्या क्या होता है देखते हैं, जहाँ अच्छा लगेगा वहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। और ये जो रास्ता है ये सीधा ढामरा गया है। सो हमारा काम है जे रिसर्ट में, तो फटाफट चलते हैं जे रिसर्ट। कितना वेट है वेस्ट का, मतलब मेरा जो है कमर टूट रहा है, मतलब इतना वेट बैग लेके मैं हर टाइम यहाँ पे आता हूँ यार। जे रिसेट ना मेरे को मार ही डालेगी। ये ऑटोमेटिकली खुलेगा देखिए दोस्तों, ऑटोमेटिक। रिसोर्ट के ऊपर का जो नज़ारा है, ये जितना होटल में जो सब रहते आते मेहमान उन लोगों का कपड़ा है, और जे रिसोर्ट का टंकी दो, और ये उसके पास जो बड़ा मतलब एक और भी एक होटल है, यहाँ का नज़ारा मतलब ढामरा में यही दोनों होटल सबसे बड़ा है, इससे बड़ा होटल कहाँ नहीं है। और वो देखिए ढामरा, जो ढामरा पोर्ट का अंदर जो सब काम होता है वहाँ पे होता है, तो दिखाई दे रहा है ऊपर से नीचे पहाड़ जैसा, वहाँ पे ढामरा पोर्ट है। तो अभी चलते हैं वॉशिंग मशीन के पास और देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ है, काम कर लेते हैं। वॉशिंग मशीन का दोस्तों ये देखिए जो होल हो गया है, इसके वजह से इधर से पानी घुस के मटर जो है इस मशीन का ख़राब हो चुका है, तो हमको मोटर रिप्लेस करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ का जो था वॉशिंग मशीन का, हमने मटर पेंडिंग कर दिया है, और यहाँ से अभी नीचे चलते हैं। दोस्तों हमारा जे रिसर्ट का काम जो था वो कंप्लीट हो गया, ऑफिस को सब हमने डिटेल्स दे दिए, और अभी जो है दोस्तों फटाफट चलते हैं शोरूम, वासुदेवपुर का शोरूम, वहाँ पे बैठेंगे, बैठ के थोड़ा मौज मस्ती करेंगे, मोबाइल में गोप्रो में सब में चार्ज दे देंगे। चार्ज दे देने के बाद देखिए गाड़ी 80-80 स्पीड में चल रही है। चार्ज देने के बाद वो जो मेडिकल का काम है वो मेडिकल का काम ख़त्म करके सीधा चलेंगे घर। तो अभी फटाफट बिना देरी किए चलते हैं हमारा शोरूम। ढामरा से आने के बाद मैंने खाना खा लिया और अभी आ गया वो शोरूम पे, वासुदेवपुर का शोरूम पे, यहाँ पे हूँ। यहाँ पे एक डेढ़ घंटा वेट करेंगे, मतलब मौज मस्ती करेंगे शोरूम को लेट के लोगों के साथ, उसके बाद मेडिकल में जो काम है वो करने के लिए चलेंगे। तो अभी यहाँ पे इंतज़ार करते हैं जो मतलब जो यहाँ पे जिस लड़का से मस्ती करेंगे वो खाना खाने के लिए गया है, वो आएगा तभी मौज मस्ती करके आधा घंटा एक घंटा निकलेंगे मेडिकल काम के लिए।
उसकी जो मेडिकल में काम था वो काम नहीं होगा क्योंकि उनका जो इनकमिंग कल है वो बंद हो गया है, इसलिए वो काम नहीं होगा। तो हम अभी क्या करेंगे, अभी सीधा बिना देरी के चलेंगे घर, क्योंकि बहुत टाइम हो रही है, अभी 4:30 बज रहे हैं। घर जाने से पहले एक जगह पे, यहाँ पे 6 किलोमीटर दूरी पे चिकन समोसा बहुत अच्छा से मिलता है, उसको खा लेंगे, खाने के बाद फटाफट घर चलेंगे। सो अभी सीधा मिलते हैं चिकन शॉप के पास। तो आज जितना भी काम था मेडिकल का काम तो कैंसिल हो गया, हुआ नहीं, और दो काम हमने दिन भर किए क्योंकि बहुत टूर पे गए थे, मतलब बहुत दूरी पे। सो दोस्तों अभी जो है टाइम बज रहे 5:15 दिन के। सो अभी हमको मतलब भूख लगा है तो जाएंगे खाना खा के मार्केट में। यहाँ से घर लगभग कितना 9 किलोमीटर होगा, 3 किलोमीटर बाद एक मार्केट है, वहाँ पे चिकन समोसा बहुत अच्छा मिलता है। चिकन समोसा पहले खा लेंगे उसके बाद घर चलेंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। देखिए दोस्तों फुल लोडेड चिकन समोसा, जिसको भी खाना है आके खा ले। और आज के लिए ब्लॉग इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। म्यूजिक